अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द कोडर्स। तो नई क्लास के साथ फिर हाजिर हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिज़ाइन और लेआउट को देख लिया था। आज हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में हम लोग देखते हैं सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास क्या कह रहा है जी? टेबल ऑफ कंटेंट जिस आप लोगों ने बुक्स देखी होंगी, चैप्टर्स के नाम वगैरह, पेजेस नंबर, सारा कुछ आप लोगों को स्टार्ट में नज़र आ जाता है, तो वही होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो अभी फ़िलहाल मेरे पेज खाली है, मैं थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर देता हूँ, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल एक दो हेडिंग्स ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ ख़ुद से ही, इंसर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से भी आप लोग इसको हेडिंग बना सकते हो। लेवल वन का मतलब हेडिंग वन है, और लेवल टू का मतलब हेडिंग टू है, और लेवल थ्री का मतलब हेडिंग थ्री है। तो आप लोग स्टार्ट से भी बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो। तो अभी मेरे पास एक हेडिंग बन गई, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है, और यहाँ से इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और इसी को मैं जो है दोबारा से पेस्ट करता हूँ, और एक और मरतबा मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं अब टाइटल चेंज कर लेता हूँ, हेडिंग का इंसर्ट लिखा था, यहाँ पे मैं कुछ और डाल देता हूँ लेआउट, और नेक्स्ट में मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मेरे पास तीन हेडिंग्स बन गई और एक पेज के ऊपर ही हैं। तो मैं एक और काम कर लेता हूँ ताकि हेडिंग्स मेरी जो हैं एक और पेज पर भी आ जाएँ, आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो इंसर्ट के ऊपर मेरा एक पेज बन गया, फिर एक पे यही यहाँ से खुद ही एंटर मार लेते हैं। पाकिस्तानी बंदे हैं, थोड़ा जुगाड़ भी करना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों की तीन हेडिंग्स बन गई, और यहाँ पे मैं आके टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से ऑटोमेटिकली एक टेबल यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। देखें, कंटेंट आ गया इंसर्ट के नाम से वन, लेआउट वन, और डॉक्यूमेंट टू। तो आप लोग यहां से लिंक आप लोगों के आपके पास बन गया, यहां से कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो इस हेडिंग के ऊपर चले जाएंगे। जिस तरह आप लोग पेज नंबर दे के वहां से डायरेक्टली चैप्टर पे विज़िट करते हो, सॉफ्ट कॉपी पे आप लोगों को लिंक मिल जाता है, तो यहां से आप लोग विज़िट कर सकते हो अपनी उस हेडिंग के ऊपर, उस चैप्टर के ऊपर। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए, मैं यहाँ पर कुछ चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और हेडिंग डाल देता हूँ हेडिंग टू के नाम से, नाम ही हेडिंग टू कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं लेवल टू पे क्लिक कर देता हूँ टेक्स्ट को, ये लेवल टू हो गया। और यहाँ से मैंने आना है, और यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आएगा अपडेट टेबल। तो जैसे ही मैंने अपडेट टेबल किया तो कह रहे हैं व्हाट इज़ अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अपडेट इंटायर टेबल या अपडेट पेज नंबर ओनली। मैं कह रहा हूँ पूरे टेबल को अपडेट कर दो, ओके कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे टॉप पे आ जाऊँ तो देखें मेरे पास हेडिंग टू भी शो कर रहा है, तो यहाँ से मैं विजिट कर सकता हूँ हेडिंग टू के ऊपर। तो रेफरेंस, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है ऊपर कंटेंट के। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया जी फुट नोट, एंड नोट। तो मैं यहाँ पे एक फुट नोट अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से इस साइड बार को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट फुट नोट करता हूँ। यहाँ पर मैं फुट नोट के मुतालिक कुछ लिख सकता हूँ कि मैंने ये जो वर्ड सेलेक्ट किए है इसके बारे में कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो, यहाँ पे जब भी मैं आ रहा हूँ तो ये मुझे उसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे और मुझे बता रहे जी इस वर्ड का ये मतलब है। तो आप लोगों ने स्पेसिफिकली उसका मीनिंगफुल वर्ड लिखना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस तरह लिख दिया। तो आप लोगों ने एज इट कापी नहीं करना, तो इसको चेक करना है कि किस तरह ये सही है। तो सिर्फ एग्ज़ाम्पल थी, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास आ गई। उसके बाद है जी और भी नोट्स आप लोग यहाँ पे जो कर सकते हैं, यहाँ पे शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को बताएगा कि भाई ये नोट आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। अच्छा जी, फुट नोट और एंड नोट में क्या फ़र्क है? एंड नोट हमेशा आप लोगों के डॉक्यूमेंट के एंड पे लगता है कि भाई ये इसके मतलब ये चीज़ थी, ये कहानी इसलिए लिखी थी, तो उसका एक रेफरेंस बता रहा होता है। जिस तरह आप लोगों ने उर्दू की बुक्स में देखा होगा आखिर में एक खुलासा सा लिखा होता है, तो ये कहाँ से उठाई, ये कौन है, पूरा उसकी एक डिटेल मिल जाती है एंड नोट पे। अच्छा जी, उसके बाद है स्मार्ट लुकअप। ये इंटरनेट के साथ आप लोगों का काम करेगा, ये एक किस्म का नया फीचर इन लोगों ने डाला है इस ऑफिस के अंदर। तो आप लोग यहाँ से चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, टर्न ऑन इंटेलिजेंट सर्विसेज टू लेट ऑफिस गेट वेब रिजल्ट फॉर योर हाईलाइटेड टेक्स्ट। ठीक है, आप लोगों को ऑटोमेटिकली सजेशन देगा, तो आप लोगों ने चेक कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट साइटेशन।
अगर आप लोगों को चीज़ें नहीं भी समझ आ रही तो आप लोग अगर यहाँ पे पढ़ो तो आप लोगों को समझ इन्फॉर्मेशन पूरी दे रहे। क्रेडिट अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय साइटिंग द बुक आर्टिकल अदर मटेरियल इट कम्स फ्राम। तो सिंपल सी बात यह है कि आप लोग अगर किसी का टेक्स्ट यूज़ करोगे या किसी की डॉक्यूमेंट से कुछ उठाते हो या वेबसाइट से कुछ उठाते हो तो आप लोगों को उसका हवाला देना पड़ेगा। अगर हवाला नहीं दोगे तो कल को आपके ऊपर केस हो सकता है। तो ये एक किस्म का कानूनन जुर्म भी है। तो आप लोगों ने जिस का भी कोई मटेरियल उठाना है वो आप लोगों ने यहाँ पे साथ उसका पूरा रेफरेंस ऐड करना है कि भाई ये फ़लाँ बंदे की बुक थी या फ़लाँ बंदे की वेबसाइट थी या फ़लाँ बंदे का आर्टिकल था, वहाँ से मैंने ये चीज़ उठाई है, और उसकी पूरी डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है, उसका रेफरेंस पूरा देना है। अगर आप रेफरेंस उसका नहीं देते तो आप लोगों ने इल्लीगल काम किया है, इल्लीगल एक्टिविटी की है, तो कल को आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो परेशान होने की बात कोई भी नहीं है, बस आप लोगों ने जो है जो काम किया है इसको साथ देखना है। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जी, मैंने जो है यहाँ पे मैं इंसर्ट साइटेशन पे ऐड न्यू सोर्स कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा टाइप ऑफ सोर्स मेरी क्या है। मैंने किसी बुक से उठाया है, बुक के किसी सेक्शन से उठाया है, जर्नल आर्टिकल से उठाया है, किसी रिपोर्ट वेबसाइट, ठीक है, जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, या इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से, किसी वीडियो से उठाया है, किसी आर्ट से उठाया है, जो भी, मतलब यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, किसी फिल्म से ये चीज़ उठाई हुई है, तो आप लोग यहाँ पर मैंशन करोगे प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आथर का नाम लिखना है, किस आथर की है, उसके साथ कोई और आथर भी थे तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके अलावा फिर आप लोगों के पास इस बुक या जो भी वेबसाइट है इसका टाइटल क्या है, किस साल में आई है, सिटी कौन सा है, पब्लिशर का नाम क्या है, जिस तरह एजेंसीज होती हैं जो बुक पब्लिश करती हैं, किस एजेंसी से हुई, किस पब्लिशर से हुई है, जिस तरह ताज कंपनी होगी, इस तरह बहुत सारी हैं। उसके अलावा आप लोग अगर यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप लोग अगर देना चाहें कि स्टेट प्रोविंस क्या है, कंट्री रीजन क्या है, एडिटर कौन सा था, वॉल्यूम कौन सा था, नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स टोटल कितने थे, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। उसका यूआरएल भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कोई वेबसाइट है तो www. कुछ भी जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये आप लोग जैसे ही सारा लिख के ओके करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे प्लेस हेडर होल्डर बन जाएगा, और यहाँ पे आप लोग उसकी बिब्लियोग्राफी एंड में आप लोग देना चाहो बुक के या आर्टिकल जो भी आप लोग लिख रहे हो, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास कोई प्लेस होल्डर नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे सारा डेटा डाला होता तो वो बंदा यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाती। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, और आज की वीडियो में मेरे ख्याल से आज काफ़ी कुछ हो गया, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है, और फिर मुझे सेंड करना है आप लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर। और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जो कोर्स हुए आप लोगों को समझ आया होगा, और कोई मसला भी आता है आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको वापस में फीडबैक ज़रूर मिलेगा। और लास्ट रिक्वेस्ट जो हमेशा की होती है, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद जो हमारे द कोडर्स पे जो कोर्सेज आ रहे हैं उनको लाजमी विज़िट करो। इसके अलावा भी इंशाल्लाह ये कोर्स ख़त्म हो जाए, हमारी प्लानिंग है कुछ नए कोर्सेज बनाने की, तो आप जुड़े रहें। जुड़ने के लिए आप लोगों ने सिंपली बेल आइकन को क्लिक करना है, बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहेंगी। तो दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।